आज छत्तीसगढ़ में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और प्रदेश में धान की खरीदी 10 नवंबर से शुरू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही किसान चक्का जाम करने की भी तैयारी में है और छत्तीसगढ़ में करीब 30 से ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत। वैभव, आज प्रदेश के तमाम जगहों से जितने भी 29 जिलों से किसान पहुंच रहे हैं और जिस तरह से ये हल्ला बोल किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है कि किसानों की समस्या का हल अब हो पाएगा? देखिए, ये पूरा विरोध जो है वो कृषि कानून को लेकर के है मोदी सरकार के तरफ। जी, तो आज छत्तीसगढ़ में किसानों का एक ये बड़ा आंदोलन हो रहा है। सहयोगी मेरे वैभव शिव पांडे उन्हीं किसानों के बीच मौजूद हैं जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर ये हल्ला बोल कर रहे हैं केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ और प्रदेश में धान खरीदी 10 नवंबर से शुरू हो, जिसको लेकर ये तमाम प्रदेश भर के किसान आज पहुंचे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान चक्का जाम करने की भी इस बीच तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में करीब 30 से ज्यादा किसान संगठन है जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ में करीब 30 से ज्यादा किसान संगठन है जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से किसान संगठनों का ये प्रदर्शन चल रहा था और अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुआ, ब्लॉक में प्रदर्शन हुए, सांसदों का घेराव भी किया गया। अब जो है राज्यव्यापी एक चक्का जाम का आयोजन किया गया है आज और राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में। आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, वैभव रोकना चाहूंगी इस वक्त। हमारे साथ संजय पत्रे जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ किसान संगठन अध्यक्ष हैं। पत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पत्रे साहब। प्रदेश सरकार तो किसान हितैषी है केंद्र, पात्रे जी, और आप लोग जिस तरह से कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं और इसी बीच आप लोगों ने 10 तारीख से धान खरीदी की मांग भी की है, प्रदेश सरकार क्या सुन नहीं रही है? प्रदेश की सरकार को किसानों की इस आवाज को सुनना चाहिए। पिछले साल उन्होंने 15 नवंबर से खरीदी किया था, तब भी ये मांग उठी थी कि 1 नवंबर से खरीदी किया जाए। प्राय 1 नवंबर से ही खरीदी होता है, तो यदि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यदि किसानों के हित के खिलाफ कोई कदम उठाती है, उनको चोट पहुंचाने का काम करती है, तो उसके खिलाफ किसान संगठन, इस प्रदेश के किसान आवाज उठाएंगे। और किसानों के लिए ये जो दिसंबर से जो खरीदी का जो निर्णय लिया गया है वो इतना मतलब भयानक है कि 1000 करोड़ रुपए का कम से कम किसानों को नुकसान हो रहा है। नहीं तो फिर पिछली बार पात्रे जी ये भी तो हमने देखा था कि अगर धान खरीदी लेट शुरू हुई थी तो समय सीमा को भी बढ़ाया गया था, अंतिम समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। इस साल और पिछले साल की तुलना अगर हम करते हैं तो इस साल तो स्थिति विपरीत है, कोरोना पीरियड भी चल रहा है। निश्चित रूप से समय सीमा बढ़ाया गया था, लेकिन ये हल नहीं है। जब छोटे किसान धान काटकर घर में ले आते हैं तो अब अखबारों में तस्वीरें आ रही है कि किस तरीके से किसानों के घर में धान जमा है या मंडियों में किस तरीके से धान आ रहा है और सरकारी खरीदी हो नहीं रही है, मंडियों में समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा है। तो छोटे किसान जब धान रोकने की स्थिति में नहीं है तो औने पौने भाव में बेचेंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समर्थन मूल्य पर जो है उसकी खरीदी सुनिश्चित। आपके पास क्या ऐसे सुझाव है जो आप सरकार को स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से बताना चाहेंगे, जिन पे चलते हुए सरकार आप तमाम छोटे बड़े किसानों की समस्याओं का निराकरण कर सके? पहली बात तो यह है कि ये आंदोलन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहा है जो इस देश के कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट क्षेत्र में बदलना चाहता है। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ। दर्शकों को मैं ये चीज बता दूं कि संजय पात्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, जो इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बनाया गया है उसके खिलाफ है, ना कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ है। जी पात्रे जी, बात पूरी कीजिए।
ये नहीं कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो कृषि विरोधी निर्णय ले रही है राज्य के स्तर पर उसके भी खिलाफ है, और जो कृषि बिल उन्होंने पास किया है विधानसभा से पूरी तरीके से हम उसके खिलाफ है, क्योंकि ये किसानों के हितों की पूर्ति नहीं करता। तो ये मांग भी है कि एक सर्वसमावेशी कानून जो है छत्तीसगढ़ सरकार पारित करे केंद्र के कृषि कानूनों के दुष्परिणामों को निष्प्रभावी करने के लिए। जी जी, और कोई अन्य मांग आपकी? अभी तो यही है कि 10 नवंबर से सरकार खरीदी शुरू करे, सर्वसमावेशी कानून बनाए, और केंद्र सरकार जिन कानूनों को उसने किसानों पर लादा है उसको निरस्त करे। ठीक संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सबका अधिकार होता है धरना प्रदर्शन करने का, अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन चक्का जाम करना, सड़क जाम करना, ये कितना जायज है? ये भी लोकतांत्रिक विरोध के प्रतीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जब किसान 80% है उनके हितों को चोट पहुंचाई जा रही, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे? किसान सड़कों पर उतरे, लेकिन अगर आप लोगों के चक्का जाम कर देने से, आप लोगों के सड़क जाम कर देने से अगर अन्य लोगों को परेशानी होती है, भाई सबसे पूरा देश किस पर निर्भर कर रहा है? अन्य दाताओं पर, आप लोगों पर निर्भर कर रहा है। और अगर आप लोग चक्का जाम कर देंगे तो हो सकता है समस्या का निराकरण होने में और लेट लतीफी हो जाए। अन्नदाता ही जिंदा नहीं रहेंगे तो पूरा देश कैसे चलेगा, सवाल इस बात का है। और जिन्होंने संसद के अंदर बैठकर पूरे संसदीय जनतंत्र को कुचल दिया है उसके खिलाफ ये लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सड़कों पर। इसीलिए आपके आपकी प्रदेश सरकार बेहद ही संवेदनशील है, प्रदेश सरकार के मुखिया संवेदनशील हैं, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री संवेदनशील हैं, संवेदनशीलता को समझते हुए वो तमाम समस्याओं का निराकरण करने में जुटे हुए हैं। बस कई बार राज्य सरकार से अप्रोच किया है इन समस्याओं के लिए, लेकिन उनके काम में जू भी नहीं रहेंगी है। अभी आप दिसंबर से खरीदी कर रहे हैं तो 1 नवंबर से खरीदी करने में क्या दिक्कत है? जो किसान बेचना चाहता है उसका खरीदिए ना। आपने तो दाना दाना खरीदने के वादे के साथ सप्ताह में आए थे, उन दानों को कोचियों के हवाले क्यों? चलिए ठीक है, ठीक, आपकी बात बिल्कुल प्रमुखता से प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और शायद जो नुमाइंदे हैं वो जो हुक्मरान है जो इस वक्त स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपकी और तमाम किसानों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वैभव शिव पांडे जुड़े हुए थे। वैभव, बहुत संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया। चलिए वैभव, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।